इस्लामाबाद मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। मशरूत लेआउट प्लान के 19 माह बाद भी मतलूबा दस्तावेजात जमा करवाई, ना ही एनओसी हासिल किया। टाउन की जमीन एक और हाउसिंग सोसाइटी को बेच दी गई। सीडीए इंतजामिया ने जोन 4 के मजाफाती इलाके मलोट सईदा में वाके निजी हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद मॉडल टाउन में घरों की तामीरात समेत हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। शोभा प्लानिंग व डिवीजन की जानब से गुज़श्ता रोज़ लिखे गए मरासले में निजी हाउसिंग स्कीम को मतनब्बे किया गया कि कंपनी ने अक्टूबर 2019 में 404 किनाल इराजी पर इस्लामाबाद मॉडल टाउन के नाम से स्कीम का मशरूत तौर पर लेआउट प्लान मंजूर करवाया था। ताहम 19 माह गुजरने के बावजूद स्कीम के मतलूबा दस्तावेजात जमा करवाए गए, ना ही एनओसी हासिल किया गया। जिस जमीन पर एलओपी लिया गया वो जमीन किसी और हाउसिंग सोसाइटी को भी बेची जा चुकी है। सिर्फ यही नहीं, सीडीए की जोनिंग रेगुलेशंस 1992 की खिलाफवर्जी करते हुए मजकूरा स्कीम में प्लाट्स फरोख्त किए गए और घरों की तामीरात शुरू करवा दी गई। चंद रोज कबल इस्लामाबाद मॉडल टाउन के मालिक ताहर नवाज के खिलाफ मलोट के रहायशियों अहमद शाह व दीगर ने इलाका मजिस्ट्रेट अनिल सईद को भी दरखास्त दी थी, जिसमें टाउन मालिक की तरफ से उनकी जमीनों पर कब्जे करने और धमकियां देने के हवाले से आगाह किया गया था। दरखास्त में कहा गया था कि इस्लामाबाद मॉडल टाउन सोसाइटी के मालकान जाली एलओपी लेकर फाइलें फरोख्त कर रहे हैं। मॉडल टाउन के पास सिर्फ 14 किनाल और 2 मरले मलकीती जमीन है, जबकि पुलिस की मिली भगत से हमारी मलकीती और शामलाती जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। सोसाइटी मालकान के इस इकदाम की वजह से इलाके में नक्शे अमन का खतरा है। इस हवाले से जब सब न्यूज ने मौकफ लेने के लिए सीईओ इस्लामाबाद मॉडल टाउन मलक ताहर नवाज से राबता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अरमान यूसुफ, सब न्यूज, इस्लामाबाद।